हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तब्दीली में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि मानवी आती है और आयु, मतलब मुझे और आरो को बोलती है कि अभी एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें किस करनी पड़ेगी, जिसे सुन के मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं और आरो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे रिएक्ट करें, क्या कहें क्या नहीं कहें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। और चुपचाप बैठे रहते हैं, कहती है क्या हो गया, कोई बात हुई है। तो वो ये कह के वहां से चली जाती है। मैं आरो की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ ये क्या नया तांडव है यार, ये क्या क्या नया है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो सोचा भी नहीं था। तो मैं वहाँ से जाने लगती हूँ कि मुझे नहीं करना, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये ऐसे थोड़ी होता है कि उठ के ये कैसा कंपटीशन है, किस करने वाला, ये मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना कुछ भी हो जाए। तो वो कहती है कि अरे यार रुको तो सही, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, मुझे बीच रास्ते में छोड़ के दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, उसको शक हो जाएगा, उसे शक हो जाएगा, यार कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, एक बार समझ तो लिया करो। मैं कहती हूँ कुछ भी हो, मैं नहीं कर सकती ये सब, क्या करूँगी अभी मैं। तभी निधि और जरा कहते हैं यार ऐसे बीच मझधार में छोड़ के तो जा नहीं सकती हो ना तुम, ये क्या बकवास है, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाओगी उसे तुम बीच में, पोपट बनाने क्या उसका। मैं कहती हूँ अच्छा उसका पोपट नहीं बने और जो मेरा पोपट बन रहा है उसका क्या, वो नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे किस कर लूँगी यार, ये पहली बात बताओ ये कंपटीशन तैयार किसने किया है, ऐसा कैसा कंपटीशन होता है, किसने रखवाया ये कंपटीशन, किसने अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हुए दिमाग अंदर ही भूल गया, मुझे मिलवा उस इंसान से। तो सब तीनों के तीनों मेरी तरफ देखते और कहते पागल वागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कहा कुछ भी क्या बोले जा रही हो यार, ये लोग पागल हो गए, ये ऐसे 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 नहीं होता, ये कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो कहते अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। तो मैं वहाँ बाहर काउंटर पे जाती हूँ और उससे कहती हूँ भाई पहले तो जल्दी से पैक बना के दे। तो कहते क्या हो गया, मैं कहती हूँ अच्छा अब मैं तुझे बताऊँ कि क्या हो गया, तू दे यार। तो जो है वो बना के देता है मेरे को और मैं सटासट दो तीन ड्रिंक एक बार में पी जाती हूँ। वो लोग जो बार काउंटर पे होता है वो मुझे देख के जा रहा होता है बारटेंडर, मैम बस कर जाइए। कहती हूँ क्या है भाई, पैसे दे रही हो ना तो चुप क्यों नहीं रहता, तू बना के दे बस। तो कहते मैम ऑलरेडी बहुत पी ली है। हाँ ठीक है मुझे पता है, तुझे मुझे देख के लग रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, कहते हो तो दो। तो मैं दो तीन ड्रिंक और करती हूँ और उसके बाद तभी वहाँ सब तीनों के तीनों पीछे से आते और कहते क्या कर रही हो। तो मैं कहती हूँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो, ये नहीं कर सकती हूँ मैं, मुझसे मुझसे मुझसे
मुझसे नहीं होगा ये, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ खुदा का खौफ खाओ यार। तो अरु बोलती है कि अच्छा खुदा का खौफ तुम खाओ और इस बीच मज़ार में मुझे यूँ छोड़ के ना जाओ। कहती हूँ यार प्लीज़ मुझ गरीब पे दया करो यार। कहते हाँ तेरे जैसे गरीब और हो जाए ना दुनिया में तो देश आबाद हो जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं होगा आरू, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जख्मी दिल इश्क नहीं किया करते। तो आरू कहती है कि जख्मी दिल इश्क को समझा करते हैं और एक्टिंग बखूबी किया करते हैं, तो चलो चुपचाप। उधर कंपटीशन तैयार होने लगता है और उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं। मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरह कांप रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या करूँगी कैसे करूँगी। मैंने आज तक इस तरह की कोई हरकत की ही नहीं होती। तो वो लोग मुझे वहाँ से धक्का देते हैं और उस स्टेज पे जाना पड़ता है किसी तरीके से। पहुँच जाते हैं, बैठे रहते हैं और मतलब वहाँ खड़े रहते हैं और इधर उधर मैं देख रही होती हूँ कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए बस यहाँ से निकलने का। मानवी आरू को बहुत ध्यान से देख रही होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। और देखती है, फिर वो चुपचाप धीरे से स्टेज पे आती है और हम दोनों के पास आके खड़ी होती है और कहती है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तारू कहती है क्या? कि तुम दोनों कपल हो। कहती है हाँ, तो तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? तारू कहती है मैं तो नहीं घबरा रही। कहती है अच्छा, लेकिन अविका तो बहुत घबरा रही है, क्या हुआ अविका? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? तो मैं कहती हूँ कि नहीं, किसने कहा? कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मानवी ऐसे मेरे फॉरहेड पे हाथ लगाती और कहती है तो इतना पसीना क्यों आ रहा है ठंड में? वो भी तो मैं कहती हूँ कहाँ आ रहा है पसीना, कुछ भी तो तुम्हें लग रहा है ऐसा कोई पसीना वसीना नहीं आ रहा? तो कहती है अच्छा साफ पता चल रहा है, क्या कुछ और बात है तो बता सकती हो? तो मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ तुमने नहीं कंपटीशन में पार्ट लिया? तो मानवी कहती है नहीं, मैं क्यों लेने लगी? तो मैं कहती क्यों, बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा भी है वो खड़ा। तो मानवी कहती है हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा, बट मैं अभी उसके इतने क्लोज नहीं हूँ जितना तुम दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है। तो मैं कहती हूँ कि तुम क्लोज नहीं हो? कहती हाँ, जब मैं इतनी क्लोज हूँ ही नहीं तो मैं किसी को किस कैसे कर सकती हूँ? मैं तो नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। किस मैंने किसी एक को ही किया था जिससे प्यार किया है, हर किसी से तो नहीं कर सकती। तो वो ये बात आरू की तरफ देखते हुए कहती है। आरू भी उसकी तरफ बहुत ग्यार से देख रही होती है। तो मैं पीछे से आरू को हल्का सा मारती हूँ तो आरू उस जोन से बाहर आती है और कहती है कि हाँ मतलब मैं वो मैं कहती हूँ क्या क्या देख रही हो तुम ध्यान से इनकी तरफ? कहती है बेबी, मैं कहती हूँ क्या बेबी? मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम उसे देख रही हो इतने ध्यान से, हद नहीं होगी तुम्हारी? माना तुम्हारी एक्स थी, ये गलत बात है यार। और ये कह के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आता है और मैं कहती हूँ यार मिल गया आइडिया। मैं मन ही मन खुश होती हूँ तो आरू मेरे पीछे जाती है और मानवी भी कहती है यार कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन में से ऐसे कैसे जा सकती हो? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं यार, किस नहीं,
ये मेरी पार्टनर है, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी तरफ इस तरह इतने गौर से देखने की? आप इसकी एक्स थी, एक्स एक्स का मतलब होता है पास्ट, तो ये अपने प्रेजेंट में कैसे मिला सकती है? आरो तुम कैसे देख सकती हो मेरे रहते हुए इनको इस तरीके से, इस नज़र से? मुझे तुमसे ये उम्मीद भी नहीं थी। तारो कहते यार मेरी बात तो सुनो प्लीज़, मैं तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम कहती हो तो कैसे रिएक्ट करूँ, मतलब तुम कैसे चाहती हो कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ? मैं तुम्हें ये कहूँ कि जाओ जाओ मानवी को हक करो, किस करो? तुम्हारी नज़रों में नहीं, देखो आरू मुझे अभी क्लियर बता दो, तुम मेरे साथ हो या आज भी तुम्हारे दिल में मानवी है? मुझे अभी क्लियर बता दो। तो मानवी कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम बात को इशू बना रहे हो बस। कहती हूँ हाँ मैं इशू बना रही हूँ, सही बात है। नहीं नहीं मुझे ये बताओ, तुम्हारा पार्टनर अगर किसी लड़की को, तुम्हारी एक्स को, नहीं तुम्हारा पार्टनर, नहीं 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 मैं क्या बोले जा रही हूँ मैं, हाँ अगर तुम्हारा पार्टनर अपनी एक्स को तुम्हारे सामने इतने गौर से देखे, अपनी आंखों में अपना प्यार उतार के देखे, तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम कैसा फील करोगी? जरा मुझे बताना, नहीं कैसा फील करोगी जरा बताओ मुझे। यार बात इतनी बड़ी नहीं है, तुम बेवजह खींच रही हो बात को। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है मैं खींच रही हूँ बात को, और कुछ? कहती है देखो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। मैं कहती हूँ कैसा कॉम्पिटिशन यार, यहाँ मेरा प्यार मेरे हाथ से जा रहा है, हाँ मेरा प्यार मेरे सामने तुम्हें इतने प्यार से देख रहा है, और मैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँ? माई फुट, ऐसे इंसान को मैं किस करूँगी? अब तो मुझे पहले ये यकीन दिलाए कि इन्हें मुझसे प्यार है, मैं अपना प्यार ऐसे नहीं बांट सकती किसी और के साथ। वेरी पजेसिव, जो मेरा है वो बस मेरा है। तो मानवी एकदम चिढ़ने लगते हैं और कहते हैं क्या मेरा है, क्या मेरा है, क्या प्रॉपर्टी है मैं आरू तुम्हारी? प्यार क्या, इसका क्या मतलब है? अपने मन से वो जी नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते? कहते हैं और किस नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। समझ में आया? कहती हाँ, तो जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, तो जो आरू का है वो आरू का हुआ? कहती हूँ जी नहीं, जो आरू का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। समझ में आया आपको? तो मानवी कहती एक सेकेंड, क्या मतलब जो आरू का है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा है? कहती हाँ, अब आरू और मैं कपल हैं, तो जो आरू का है वो तो मेरा ही हुआ ना, और जो मेरा है वो तो मेरा है ही ना। मानवी कहती सो कन्फ्यूज्ड यार, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आरू की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और चलो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो। तो आरू कहती हाँ यार छोड़ो, उस पागल को ये भी नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं इस कॉम्पिटिशन से निकलने के लिए नाटक कर रही हूँ। मुझे आरू पे उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा, कि ये समझ क्यों नहीं रही है। तो मैं कहती हूँ नहीं हर किस नहीं, और तुम क्यों माफ़ी मांगोगी इसकी तरफ से ज़रा मुझे ये बताओ? नहीं तुम क्यों मांगोगे, तुम्हारा रिश्ता क्या है आरू से? क्या रिश्ता है तुम्हारा आरू से जो तुम माफ़ी मांग रही हो? आरू और मेरे बीच का मैटर है मानवी, तो हम खुद देख लेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल आरू मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, और ये गई पार्टी और ये जो भी है सब गया भाड़ में। मुझे नहीं करना किसी कॉम्पिटिशन में, कोई हिस्सा नहीं लेना मुझे, बाढ़ में जाए सब, जाओ तुम जाओ मानवी के साथ। तुम्हें तो आज भी मानवी से प्यार है ना, जाओ। मुझे तो तुमने सिर्फ फंसाया था मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, मुझे पता होता ना तो मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं तुम्हें कभी लाइफ में क्या कर दिया यार तुमने मेरे साथ। आई हेट यू आरू, आई हेट यू। और ये कह के मैं वहाँ से निकलने लगती हूँ, तो आरू मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है रुको तो सही मैं हाथ छुड़ाती हूँ। तभी वहाँ निधि और सारा आते हैं, कहते क्या हो गया? तो मानवी निधि से कहती है देखो अविका को समझाओ ना यार, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, वो इस तरह से बातों को
बढ़ा रही हैं और मैं कब से समझा रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं मान रही हैं। तो निधि मेरी तरफ देखती है तो मैं उन दोनों को आँख मार देती हूँ, तो दोनों समझ जाती हैं। कहती हैं बात क्या है, बात बताओ। तो आरू सारी बात बताती है। तो मैं कहती हूँ देखो अब तुम ही बताओ, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे सामने खड़े होकर अपने एक्स की आंखों में इस तरीके से देखेगा। सारी खूबसूरती तो आंखों में होती है ना एक लड़की की, एक लड़की की सारी खूबसूरती उसकी आंखों में और उसके जुल्फों में होती है। और ये अगर उन्हीं में खो जाए तो मेरा इनकी लाइफ में होने का क्या फ़ायदा, फिर मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या अस्तित्व है, तुम ही लोग बताओ। इन्होंने तो अभी से मेरे प्यार को चैलेंज कर दिया है, मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो अब ये भी यकीन नहीं है कि इन्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं। और सही बात है, अभी इनका ब्रेकअप हुआ, टाइम ही कितना हुआ है, पता नहीं इनके दिल से मानवी निकली भी है या नहीं। मुझे नहीं रहना इनके साथ, तारू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। कहती हूँ है सब, प्लीज मुझे हाथ छोड़ो और जाने दो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। तो मानवी यार उसे कहती है छोड़ो यार, जब उसे नहीं समझ में आ रहा तो आरू कहती है कि बट, तो मानवी कहती है जब उसे नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो उन्हें, और तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी, बहुत लोग हैं तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारा इतना अच्छा नेचर है, इतना डिसेंट हो, इधर उधर नजरें घुमाओ बहुत लड़कियाँ मिलेंगी, छोड़ो इन्हें। तभी सारा आरू के पैर पे पैर मार दिया जोर से, और आरू सारा की तरफ देखती है तो सारा इशारा करती है, तो आरू को तब सारी बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आती है। और तो आरू कहती है नहीं मानवी ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, मुझसे अभी का बहुत प्यार करती है और मैं ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकता जो, तो मानवी कहती है सकता, तो कहती है हाँ तुमने मुझे बदल के और हर तरीके से मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, बट अविका ने मुझसे वैसे ही अपनाया है जैसे मैं थी, मैं बोलता था, बोलता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, उसे इस चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मेरा लड़की होने के बावजूद लड़के के तरीके से रहने से कोई प्रॉब्लम है, और अपने सारे फ्रेंड्स के सामने इन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, सबसे मेरे लिए लड़े हैं, झगड़े हैं, तो मैं अविका को ऐसे नहीं छोड़ सकता बीच रास्ते में, नहीं तो लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी इमेज बचाने के लिए अपने प्यार को लात मार देते हैं, शायद उन्होंने कभी प्यार किया ही ना हो। तभी मानवी कहती है और क्या पता प्यार बहुत हो लेकिन डर गई हो। तो आरू बोलती क्या मतलब, तो मानवी कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही कुछ और बोल रही थी। तो कहती अच्छा, तो कहती हाँ तो मैं अविका को ऐसे नहीं छोड़ सकती, तो मैं सोचती हूँ कि ये मौका अच्छा है यहाँ से निकलने का, और मैं कहती हूँ जाओ अभी भी देखो उसी से बात कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसको खड़े होकर कि तुम्हें मेरे साथ क्यों रहना है और क्यों नहीं रहना है, एक काम करो तुम ना उसी के साथ रहो, मुझे ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और ये कह के मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और सीधे बाहर आके रुकती हूँ और एक गहरी सी सांस लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है कि थैंक गॉड यार बच गए, कोई किस विस नहीं करनी पड़ी, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता, कैसे करती मैं। थैंक गॉड भगवान जी आपने सही टाइम पे मेरा दिमाग काम करवा दिया। और यारू इसे समझ में नहीं आ रहा था, इसे एक बार बाहर आने दो बस, आज इसको ना अच्छे से सारी चीज़ें समझाती हूँ। इधर मानवी और आरू, आरू पीछे आने लगती है तो मानवी आरू का हाथ पकड़ती है और कहती है अपना ख्याल रखना, और मुझे नहीं लगता वो लड़की सही है तुम्हारे लिए, तो अपना पूरा ध्यान रखना। तारू कहती है
अब सही है या गलत है, जो भी है सब कुछ वो ही है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि कुछ लोग सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं और कुछ लोग गलत होते हुए भी सही हो जाते हैं। ये कह के वो अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से बाहर आने लगती है। इधर मानवी यारों को जाते हुए देखती है तो उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। ये बात निधि नोटिस करती है और आके बाहर हमें बताती है। जैसे यारू आती है बाहर, मैं आरू के कान पे रख के देती हूँ खींच के, और वो एकदम झन्ना आ जाती है, कहती है क्या किया है ये। मैं कहती हूँ क्या बदतमीजी थी ये। तो वो कहती है मैंने क्या किया। मैं कहती हूँ तुम्हें अकल है या घास खाती हो सुबह शाम, खाने की जगह नहीं, मुझे बताओ खाने की जगह घास खाती हो या खाना ही खाती हो। मतलब नहीं चलो कंपटीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करती क्या वहाँ जाके किस करती तुम मुझे, मिस कहेंगी। समझ में नहीं आ रहा था मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तारू कहती यार गलती हो गई ना। मैं कहती कैसी गलती हो गई, मैंने मानवी को देखते ही तुम्हारे पर कच्चे उड़ जाते हैं क्या दिमाग के सारे, तमीज कहेंगी। मारू पे गुस्सा कर रही होती हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती हूँ। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अभी यारों की मोहब्बत को उसे दिलाने के लिए कौन कौन से इम्तहान से गुजरना पड़ेगा, ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।